अगर आपका फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे घर है, आपकी इमारत 6-7 मंजिला है, तो फिर आपका नहीं लगेगा। अगर मैं यूं कामयाब हुआ कि मेरे ऊपर ही छत है, तो जिन लोगों का घर पेंट हाउस की शक्ल में है या छत के नीचे वाला फ्लैट है, तो वो तो लगा सकते हैं। काफी नीचे जब फासला आता है तो इसमें लाइन लॉसेज होंगे, आपका सिस्टम चलेगा नहीं। तो मैं आपको बजाय अट्रैक्ट करने के आइए लगवाइए, मैं आपको मना करूंगा, फिर हाइट ज्यादा आप लगवा नहीं सकेंगे। तो अगर आपका मकान छत के नीचे वाला है फ्लैट आपका या पेंट हाउस है, तो आप आ जाइए, आपके लिए आराम हो जाएगा। तो लगाने वाले सब लगा देंगे, आपको बाद में चलेगा नहीं। तो इशू यही बताएंगे आपको, जी लाइन लॉसेज हो रहा है इसलिए नहीं चल रहा, तो बाद में आपको आधे पैसों में बोलेंगे हमें दे दो, इसको कर दो, उसको कर दो, तो फिर आप ना लगे। 90-45 इसका यूनिवर्सल साइज है। तो लोग आजकल जिन्होंने 3-4 फैन, 5-6 सेवर, इस तरह का छोटा मैकेनिज्म चलाना हुआ, तो क्योंकि पैनल अब बड़ा सस्ता है, तो वो ये करते हैं कि 2 पैनल बड़े लेके और एक MPPT कंट्रोलर लेके एक बैटरी लगा के अपने निजाम को, ये बड़ा बड़ी प्लेट कह रहे हैं आप, ये जी छोटी बड़ी प्लेट बड़ी भी लगा देते हैं। अच्छा, जिन्होंने 1-2 फैन 1-2 सेवर चलाने हुए, वो 150 वॉट से लेके 280 वॉट तक का आजकल 12 वोल्ट में पैनल आ रहा है, ठीक है, जिसकी मिनिमम प्राइस 9,000 रुपए है। 9,000 से शुरू होता है और 16,000 पे खत्म हो रहा है। उसमें 180 से लेके 280 वॉट तक का पैनल है। इनके पास जगह का इशू होता है, कहते हैं जगह कम है, हम तो ये बड़ा पैनल नहीं लगा सकते, तो वो लोग छोटा पैनल 12 वोल्ट का ले जाते हैं। उसके लिए फिर आपको MPPT कंट्रोलर खरीदने की जरूरत नहीं, आप एक नॉर्मल PWM ये कंट्रोलर भी ले सकते हैं, और जो बड़ा पैनल लगाएगा उसको ये MPPT बड़ा कंट्रोलर लेना पड़ेगा। तो ये कि जो जिन लोगों ने बाद में फ्यूचर में बढ़ाना होता है, वो कहते हैं नहीं हमने ये DC के निजाम से आगे बढ़ के हमने 220 की तरफ भी कल को जाना है, ठीक है, तो पैनल तो बड़ा लेते हैं, कंट्रोलर ये लगाते हैं, फिर बाद में कंट्रोलर ये सेल आउट उनका हो जाता है, फिर वो इन्वर्टर एक हाइब्रिड लेके उधर शिफ्ट हो जाते हैं। लॉन्गी, जिनको, ट्रीना, मस्टैंग, राइजन, कैनेडियन, सारी चीजें मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि ईद के बाद मजीद और छुपा हुआ माल बाहर आ जाएगा जो लोगों ने जखीरे की और स्टॉकिस्ट लोगों ने जो छुपा रखा था कि भाई बजट में अगर टैक्स लगता है तो हम इसको उस पोजीशन में बेचेंगे। ट्रिक्स मस्टैंग है, ट्रिक्स जॉलीवुड एंड टाइप 16 बस बार में नया मॉडल हमने लॉन्च किया है, इसको इनवरेक्स ओन करता है, जॉलीवुड है वो भी, और 40 से अबव की बात हो रही है, जो मैं समझता हूँ अगर ईद के बाद क्वांटिटी आगे बाजार में गिर गई तो अंडर 40 ये तकरीबन माल हो सकता है, हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है, और होगा इंशाल्लाह अंडर 40 हो जाएगा। कि सरकार ने 10.5% 11% 12% इस पे जो है टैक्स लगाने की तजवीज दी है, तो तजवीज पे लोगों ने माल छुपा लिया था और रेट भी बढ़ा दिए थे, तो वो अब फिजा जो थी गहमा गहमी वो खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर मैं मौजूद हूँ रीगल सदर, और बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे कि हमें अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नॉलेज देते हैं मुकर्रम सर, उनसे मिल के आप प्लीज़ अभी के, क्योंकि रेट आपको पता है सोलर के रेट काफ़ी कम हो चुके हैं, तो बड़े जो सिस्टम है 2 kV से लेकर ऑनवर्ड जितना भी आपको सिस्टम लगवाना है उसमें क्या क्या चीज़ें चलेंगी, और अभी जो का जो एस्टिमेट है वो कम होने के बाद हमें क्या मिलेगा। तो बड़ी प्लेट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। लोकेशन आपको सीधी सीधी सी है कि रीगल सदर में आएंगे, तो अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स गली के अंदर ही 3-4 दुकानें छोड़ के अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनके बिल्कुल फ्रंट पे अलमावा लग्जरी होटल है, बिल्कुल सामने उसके अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इजीली यहाँ पर किसी से पूछ के भी आ सकते हैं और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर, मुकर्रम सर बहुत बिजी हैं, अभी बहुत कस्टमर्स थे, अभी हमने उनसे टाइम लिया है, चलते हैं फिर से बिजी ना हो जाए और उनसे नॉलेज लेते हैं। आ जाए। अच्छा जी, हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं और माशाल्लाह मुकर्रम भाई इतना बिजी होते हैं कि इनसे टाइम लेना पड़ता है, लेकिन जब भी हम आते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम जरूर हमारे लिए निकालते हैं, और जब भी हमें हालाते हाजरा पे डिस्कस करना होता है, रेट्स पर डिस्कस करना होता है और अपने व्यूअर्स को बताना होता है, तो यहाँ आते हैं तो टाइम जाया नहीं करते, सर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत बिजी है माशाल्लाह। आप आज मेरे ख्याल में सब चले गए छुट्टियों पे, लेकिन आप यहीं पे बैठे हुए। जी 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 जी, अल्लाह ताला ऐसे ही बिजी रखे। अभी आज के अभी की क्या सूरत हाल चल रही है, हम लोग यही जानने के लिए आए हैं, अभी के रेट्स क्या चल रहे हैं सोलर के हवाले से, जरा आप थोड़ा सा उस पे। असल में थोड़ा सा हमारी बैठना मजबूरी ये भी था आज, क्योंकि देखें बजट जो है 12 से 13 जून को बजट ने आना था, और जाहिर सी बात है इस टाइम थोड़ा ईद का भी मौका आ गया बीच में, तो लोग तकरीबन कोई 1 जून से, आज 15 जून है, तो 1-2 जून से लोग भी जरा परचेजिंग में रुक गए थे कि यार बजट आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि शायद टैक्स के कुछ मामला की वजह से, जब टैक्स का लोगों ने सुना तो रेट बढ़ा दिए थे और माल जरा गायब हो गया था, कम हो गया था, कुछ कम हो गया था, लोगों ने मसनू तौर पर उसको गायब कर दिया था। तो अब मसला ऐसा हुआ कि बजट आ चुका और अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन मैं और बहुत सारे चैनल्स पे दूसरों पे मैंने बताया था पहले से कि इंशाल्लाह बजट में टैक्स नहीं लगेगा सोलर पे, और ऐसे ही हुआ कि नहीं लगा, नहीं लगा। तो अब कंज्यूमर जो इंतजार में था बजट के बाद कि यार कोई रेट मुनासिब हो जाए, तो वो जाहिर सी बात है अब आ रहा है। तो ये है कि कोई ऐसा नहीं
वेयर हाउसेज वगैरह, कंपनीज वगैरह, तकरीबन बड़ी कंपनीज और वेयर हाउसेज वगैरह, जाहिर सी बात है ईद का मौका है तो बंद ही है, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल लेकिन हम रिटेलर हजरात हैं, हमें तो मार्केट के हिसाब से आना ही पड़ता है, तो इसलिए अब कंज्यूमर भी आपको इन दिनों में, वैसे आखिरी ईद के दिनों में लोग होते नहीं या नजर नहीं आते, लेकिन वो बिल्कुल आ इसलिए रहे नजर आपको, क्योंकि ईद का मौका भी सामने, वो तो अपनी जगह है, नहीं होते, लेकिन बजट गुजर गया, लोगों ने देख लिया कि अब जो है टैक्स का तो कोई चक्कर है नहीं, चक्कर है ही नहीं, अब तो सेफ इसलिए, है हाँ तो सब इसलिए कंज्यूमर, बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं लेकिन छोटा कंज्यूमर आ रहा है, आ रहे हैं। ठीक तो है, ये सारी चीजें हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, माहौल अच्छा है, और लॉन्गी, जिनको, ट्रीना, मस्टैंग, राइजन, कैनेडियन, सारी चीजें मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि ईद के बाद मजीद और छुपा हुआ माल बाहर आ जाएगा, बात बाहर आ जाएगा, जो ठीक लोगों है, ने जखीरे की नियत से जखीरा और स्टॉकिस्ट लोगों ने जो छुपा रखा था कि भाई बजट में अगर टैक्स लगता है तो हम इसको उस पोजीशन में बेचेंगे, तो नोदी। पब्लिक ओके, को जो, मतलब इतना बिजनेस प्लान हाँ माइंड। जी, तो अब ये समझिए कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स जिन्होंने लगवाने हैं, इंशाल्लाह वो जाहिर सी बात है ईद के बाद ही आएंगे, ईद के बाद तो उनको एक आएंगे, मुनासिब एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन हालात हाजरा हाजिर की जो पोजिशन है वो मिनिमम 40 रुपये पर वॉट इस टाइम लॉन्गी है, ठीक मिनिमम 42 रुपये पर वॉट इस टाइम जिनको का सिंगल गिलास पैनल है, मिनिमम 43 रुपीज़ पर वॉट इस टाइम जिनको डबल गिलास है, और इनवेक्स मस्टैंग है वो 43 रुपीज़ पर वॉट है, इनवेक्स जॉलीवुड एन टाइप 16 बस बार में नया मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, इसको ठीक इनवेक्स ओन करता है, जॉलीवुड है वो भी 42 रुपीज़ पर वॉट है, तो इस टाइम 40 और 40 से अबव की बात हो रही है, जो ठीक मैं समझता हूँ अगर ईद के बाद क्वान्टिटी आगे बाजार में गिर गई तो अंडर 40 ये तकरीबन माल हो ठीक सकता है, है, हो सकता है, उम्मीद की जा हाँ, और सकती है। होगा इंशाल्लाह अंडर 40 हो जाएगा, तो ठीक है, कंज्यूमर का जो शिकवा था बीच में, जो लोगों ने बजट में तजवीज के ऊपर देख सुना जी, खबर स्लाइड चली कि सरकार ने 10.5%, 11%, 12% सेल टैक्स इस पे जो है टैक्स लगाने टैक्स की लगाने की, तजवीज दी है, तो तजवीज पे लोगों ने माल छुपा लिया था और रेट भी बढ़ा दिए थे, तो वो अब फिजा जो थी गहमा गहमी वो खत्म हो चुकी है, खत्म हो तो चुकी ईद के है। बाद मैं समझता हूँ कस्टमर को पैनल्स की सूरत में तो एक रिलीफ मिल सकता है, इन्वर्टर और बैटरीज बदस्तूर महंगी है वो उनके और रेट वो नहीं नीचे आ रहे, उनके रेट नीचे आ नहीं रहे, क्योंकि जब पैनल की जब रेट नीचे आएगा, जब उसकी क्वांटिटी, जाहिर सी बात है एक क्वांटिटी बिकेगी तो उसको कस्टमर को इन्वर्टर भी चाहिए, बिल्कुल कस्टमर को बैटरी भी चाहिए, खाली प्लेट से क्या करना है। खाली प्लेट का क्या करना है, तो ये सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक के लिए खैर अब रिलैक्सेशन ये है कि टैक्स लगा नहीं, ईद के बाद मजीद इंशाल्लाह रेट में भी, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी तादाद थी जो बजट की वजह से रुक गई थी, वो सारे एक ओके साथ ठीक निकलेंगे भी सही ईद के बाद, है, तो मैं ठीक समझता हूँ डिमांड भी उसी तरह होगी, तो बिल्कुल इस ऐसे ही टाइम ये होगा। भी एक मुनासिब और हैंडसम रेट है कि आपको 40 रुपये नया मॉडल का एक पैनल पर वाट के अंदर मिल रहा है, अब बहुत सारे लोग कंटेनर रेट देखते हैं उसके ऊपर फेसबुक पे और बहुत सारी चीजों पे कि 37 रुपये मिल रहा है, 37.5 रुपये मिल रहा है, लेने होते हैं एग्जैक्टली चार रेट देखते हैं कंटेनर के, उसके बाद यहाँ आके कहते हैं हमने रेट देखे इतने के, देखिए कंटेनर में और लूज पैकिंग के अंदर फर्क आता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें सारी बिल्कुल चीजें हैं, तो अब मुमकिन है ईद के बाद कुछ भी हो जाए, मतलब कितने रेट नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं क्या होता है, लेकिन देखिए अब ऊपर का तो फिजा खत्म हो गई, अब ऊपर नहीं नीचे का ही जाएंगे, माहौल नीचे ही होगा, आएंगे। नीचे का ही माहौल होगा ईद के बाद, तो फिलहाल अभी मिनिमम 40 रुपये पर वॉट है और मैक्सिमम इस टाइम 43-44 तक जा रहा ओके है, लेके जा ही रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको पता है अब बिजली के बिल, जून का महीना खासकर कराची के हवाले से हम यहाँ रहते हैं तो बिल्कुल यहाँ बात बिल्कुल कर रहे हैं, तो इस बार कराची में तो जून के बिल ऐसे आए कि लोग हैरान हैं अभी तक, जो है ना वो मतलब समझने के, परेशान हो गए। हाँ बिल देख के लोग यहाँ कौमे में चले गए कि ये बिल आया कैसे, हमारा यूजेज इतना है नहीं, ये हुआ कैसे, तो इस बार कराची में जून के बिल बहुत ज्यादा आए, तो जिसकी वजह से लोग परेशान है कि क्या करना है, तो लोग आ ही रहे हैं, कोई 6 पैनल, कोई 8 पैनल, कोई 2 पैनल, अपनी जरूरत के हिसाब से लेके लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं, सही तो ये कि सही। ईद के बाद कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं तो उन लोगों को भी इंशाल्लाह रिलैक्स मिलेगा, ईद के बाद लगवा सकते हैं इजीली, प्राइजेस के हाँ हवाले जाहिर से सी भी हो बात है क्योंकि जाएगा। तो छुट्टियां भी हैं, अभी लेबर भी चली गई, सब लोग चले गए, तो आप लोग आए, मैंने कहा चले ईद पे लोग छुट्टियां होती हैं, आराम से वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे हालात हाजरा भी बिल्कुल, बाजार में है क्या, सबसे बड़ी बात है जी हमें नॉलेज देनी होती है जी व्यूअर्स जी को। बहुत सारे व्लॉगर्स भी झूठी अफवाहें भी फैला रहे होते हैं, उनको नॉलेज होती नहीं है, तो जी लोग जी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती हाँ जी हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। हाँ अच्छा, जी बड़ी प्लेट्स आपके पास काफी तादाद में, इनकी थोड़ी सी आप मुझे बताइए किस तरह वॉट है और ये देखें यही मैंने पर वॉट 40 40 रुपए ना, 40 रुपए मिनिमम पर वॉट है, मतलब पूरी और प्लेट का बताइए। कुछ लोगों को वो पूरी पूरी प्लेट की प्राइसेस समझ आती है, वो पर वॉट की नहीं समझ आती, अच्छा जिनको देखिए नॉलेज नहीं चालीस रुपए होती। पर वॉट है, अगर पैनल एक ये 580 वॉट का है तो पैनल मिनिमम इस टाइम ये 23,200 रुपए का एक है, ये फुल साइज का जो नजर हाँ आ रहा है देखिए ये साइज इनका एक है, यूनिवर्सल एक ही साइज है। है, ठीक है इसको कहते हैं 90-45, ठीक 90 इंचीज इसकी हाइट है और 45 इंचीज इसकी चौड़ाई है, ठीक है तो ये 23,200 से शुरू होकर अगर आप मैक्सिमम जाएं 43 पे,
43 पर वाट पे इस टाइम 585 जिनको एन टाइप डबल ग्लास 16 प्लस बार वो आपको ग्लास मिल रहा, का दे रहे हैं वो मिल रहा है आपको 25,155 रुपए का। तो हालात हजार 15 जून तक तो ये जो मैंने आपको आज बता दिया तो ये 90-45 इसका यूनिवर्सल साइज है। तो लोग आजकल जिन्होंने 3-4 फैन 5-6 सेवर इस तरह का छोटा मैकेनिज्म चलाना हुआ तो क्योंकि पैनल अब बड़ा सस्ता है तो वो ये करते हैं कि दो पैनल बड़े लेके और एक MPPT कंट्रोलर लेके एक बैटरी लगा के अपने निजाम को ये बड़ा बड़ी प्लेट कह रहे हैं आप ये छोटी प्लेट बड़ी भी लगा देते हैं। अच्छा जिन्होंने एक दो फैन एक दो सेवर चलाने हुए वो 150 वाट से लेके 280 वाट तक का आजकल 12 वोल्ट में पैनल आ रहा है ठीक है जिसकी मिनिमम प्राइस 9,000 रुपए है। 9,000 से शुरू होता है और 16,000 पे खत्म हो रहा है। उसमें 180 से लेके 280 वाट तक का पैनल है। इनके पास जगह का इशू होता है, कहते हैं जगह कम है, हम तो ये बड़ा पैनल नहीं लगा सकते, वो लोग छोटा पैनल 12 वोल्ट का ले जाते हैं। उसके लिए फिर आपको MPPT कंट्रोलर खरीदने की जरूरत नहीं, आप एक नॉर्मल PWM ये कंट्रोलर भी ले सकते हैं। और जो बड़ा पैनल लगाएगा उसको ये MPPT बड़ा कंट्रोलर लेना पड़ेगा। तो ये कि जो जिन लोगों ने बाद में फ्यूचर में बढ़ाना होता है वो कहते हैं नहीं हमने ये DC के निजाम से आगे बढ़ के हमने 220 की तरफ भी कल को जाना है, तो पैनल तो बड़ा लेते हैं कंट्रोलर ये लगाते हैं, फिर बाद में कंट्रोलर ये सेल आउट उनका हो जाता है, फिर वो इन्वर्टर एक हाइब्रिड लेके उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज है कि अगर किसी ने दो फैन दो सेवर चलाने हैं उसके लिए भी करामत है, किसी ने फैक्ट्री चलानी है उसके लिए भी सोलर करामत है। सोलर आपकी हर तरह की जरूरत पूरी करता है, बिल्कुल। तो आप भी यूजर है, आपके पास भी लगा हुआ है, मेरे घर पे भी लगा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है और हमें इनसे ही तो इन्फॉर्मेशन मिली थी और यकीन करें कि बहुत सुकून हो गया। मेरे घर पे भी लगा हुआ है और अल्लाह जानता है कि मैं मतलब मेरा काम है, मैंने तारीफ ही करनी है। अक्सर हमें दोपहर के 4 बजे कहीं से खबर मिलती है इलाके से या मोहल्ले से कि आज तो लाइट सुबह 7 बजे गई हुई है, तो आप लोगों को पता नहीं, अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो हम तो इतने सुकून में है, ज्यादा नहीं, मेरे पास 6 पैनल की जगह थी, मैंने 6 ही लगाए हैं। अभी 3-1 किलोवाट का निजाम मैंने भी घर पर लगाया हुआ है जिससे हम अपना दिन में फ्रिज, अपना डिफ्रीजर, लाइट, पंखे, आयरन, वॉशिंग मशीन बिफोर 5 PM हम हैवी लोड का काम कर लेते हैं। देख लें कितना बिफोर 5 PM हम हैवी लोड का काम कर लेते हैं। 3 kV का सिस्टम है आपको? जी जी। अच्छा, इसकी थोड़ा सा प्राइस रेंज अभी के हिसाब से भी आप बताइएगा, अगर 3 kV का सिस्टम कोई लगाता है इसके साथ और मुकम्मल सेट फिटिंग के साथ और दो बैटरीज के साथ, इसकी कॉस्टिंग अभी 4.5 लाख रुपए के आसपास आती है। ठीक है। ये सिस्टम किसी जमाने में जब रेट बहुत ज्यादा थे पैनल के तो 5,30,000 रुपए तक जाता था, आज आपको 4.5 लाख रुपए को टच कर रहा है ये सिस्टम। तो ये इसको 3 kW है। तो देखिए मैं तो जगह का भी थोड़ा सा इशू था तो मैंने बस हिम्मत करके, क्योंकि बिल मुझे मुसलसल तंग कर रहा था, मैंने किसी तरह सेटिंग करके एक ही बार आपने जान छुड़ा ली। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 kW का भी अगर कोई लगा रहा है, जिसके पास अगर 60 गज का भी अपना मकान है और अपनी छत है तो उसके लिए मैं कहता हूँ बहुत करामत है, क्योंकि मेरा अपना बिल 70,000 रुपए एक बार आया, 46,000 एक बार आया, तो हम मुसलसल हर साल का हर महीने का ये सदमा मुसलसल हो रहा था, तो हमने कहा हम तो 4-4.5 लाख का सिस्टम लगा के अब देखें। मुझे बहुत सारे लोग देखने वाले ये बोलेंगे यार ये तो 13-14 साल से ये काम करते हैं तो इन्होंने अब अपने घर पे क्यों लगवाया। तो मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरे पास जगह का इशू था, छत पे जगह नहीं, तो छत किसी और की है, घर किसी और का ऊपर है, फिर हमने उनसे इजाजत लेके 6 पैनल अपने किसी तरह उनके पास एडजस्ट किए, हमने कहा कुछ तो हमें रिलीफ मिले, तो फासला ज्यादा नहीं है इसलिए, वरना जो अभी फ्लैट वाले हजरात अगर देख रहे हो तो ऐसा ना सारे यहाँ आ जाए, सब आ जाए। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे घर है, आपकी इमारत 6-7 मंजिला है, तो फिर आपका नहीं लगेगा। अगर मैं यूं कामयाब हुआ कि मेरे ऊपर ही छत है, तो जिन लोगों का घर पेंट हाउस की शक्ल में है या छत के नीचे वाला फ्लैट है तो वो तो लगा सकते हैं। काफी नीचे जब फासला आता है तो इसमें लाइन लॉसेज होंगे, आपका सिस्टम चलेगा। तो मैं आपको बजाय अट्रैक्ट करने के आइए लगवाइए, मैं आपको मना करूंगा, फिर हाइट ज्यादा आप लगवा नहीं सकेंगे। तो अगर आपका मकान छत के नीचे वाला है फ्लैट आपका या पेंट हाउस है तो आप आ जाइए, आपके लिए आरामदायक इजीली हो जाएगा। तो लगाने वाले सब लगा देंगे, आपको बाद में चलेगा नहीं, तो इशू यही बताएंगे आपको जी लाइन लॉसेज हो रहा है इसलिए नहीं चल रहा, तो बाद में आपको आधे पैसों में बोलेंगे हमें दे दो, इसको कर दो, उसको कर दो, तो फिर आप ना लगवाएं। फ्लैट वालों के लिए ये नहीं है, यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनको इश्यू हो सकता है, वो लोग ना लगाएं। अच्छा सर, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, प्राइजेस की भी? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे रब्ता कराची है, सदर है, रीगल चौक है, सरमद रोड इसे कहते हैं, और अमीन इलेक्ट्रॉनिक हमारी दुकान का नाम है। संडे ऑफ होती है, आम दिनों में सुबह 12 से रात 9 हम आपको मिलेंगे। नंबर मेरा 0300-927-5080। किसी ने एक फैन चलाना हो तो भी मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको बता दूंगा किस तरह चलेगा। किसी ने फैक्ट्री चलानी हो तो भी मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको बता दूंगा कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता जरूर दूंगा, उसकी कोई फीस नहीं है, बेशक आप आइए हमसे भी मिलिए, रेट अच्छे लगे हमसे लीजिए, रेट ना अच्छे लगे तो किसी और से ले लीजिए। और बाकी ये कि इंशाल्लाह सारा माल डॉक्यूमेंट्स के साथ होगा, ए ग्रेड होगा, Tier 1 होगा, छोटा पैनल हो, 150 वाट हो, 180 वाट हो, छोटा कंट्रोलर हो, फैन हो, कोई भी काम हो हाजिर है। और इन्वर्टर हमारे पास एक है, हम आप चाहेंगे कि इन्वर्टर खोल के भी आपको दिखाएं,
इसको वी लाइन कहते हैं, 5.5 किलोवाट है, 2,30,000 रुपये का है, वारंटी इसकी 2 साल है और वोल्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर है, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी ब्रांड है। आजकल लोग कुओं के खरीद से बाहर निकल गए और साल के 6 महीने उनका ये अब एक उनका ट्रेंड हो गया कि साल के 6 महीने उसने मिलना ही नहीं है। तो कस्टमर की नफ्सियात में ये होता है कि जी कोई नायाब चीज़ थी जो अब नहीं मिल रही, तो ऐसा है कि इन्वर्टर अच्छा है, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है, 2 साल वारंटी है। मैं आपको खोल के भी इसको दिखाता हूँ, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड तीनों ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह आती हूँ दोबारा ऐसी किसी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ और कोशिश करूंगी ईद के बाद अगर प्राइसेस और कम होते हैं तो हम दोबारा जहमत देंगे सर को। इंशाल्लाह आती हूँ दोबारा किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक ले जा दो दीजिए, अल्लाह हाफिज़।